मुझे लगता था कि तुम सिर्फ बेवकूफ हो, लेकिन तुम तो उल्लू और गधे भी निकले। कैसी बातें कर रही हो रोशनी, एक तो तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, देखो तुम्हें झूले दे रहा हूँ, और तुम्हों के अपने होने वाले शोहर से ऐसे बातें करती हो। तुम्हारी होने वाले शोहर वाली कोई हरकतें नहीं है, देख लिए मैंने तुम्हारे ताबेदारी के हालात। तुम मुझसे क्या, तुम किसी से भी शादी नहीं कर सकते हो, तुमसे शादी की बात ही नहीं होती है उमर, तुम कौन हो लड़की? इतनी क्यूट लग रही हो मानो बिल्ली। अच्छा मेरी बात सुनो, नंबर वन ये कि तुम्हारी अम्मी की नजरों में आ चुका हूं, उन्हें मैं दूंगा जोड़ों के दर्द की दवा, उनकी तरफ से तो हो जाएगी। हाँ नंबर टू, अम्मी अब्बा से कह रही थी कि मोनस को बड़ी जबरदस्त लड़की मिल गई उसी मोहल्ले से, तो अब्बा ने आगे से कहा कि अपनी दूसरी बहू तुम भी उस मोहल्ले से ढूंढ लो। और तीसरा जो सबसे अहम और सबसे जरूरी है वो ये कि चची ज़किया और अम्मी की हो चुकी है सुलह, हालात साजगार हैं और जबरदस्त बात हो गई है। अब मैं चची जान के जरिए कहलवाऊंगा कि मोहल्ले में एक बहुत क्यूट लड़की है, बहुत अच्छी है, मेरे लिए रिश्ता मांगो जाके, कैसा? वाह मेरे शेर वाह, कहीं ऐसा ना हो कि नंबर 4 और 5 में कोई मसला निकल आए। नहीं होगा गुड़िया, नहीं होगा यार, देखो परफेक्ट दिन है आज का, सुबह से अम्मी और चची के दरमियान कोई इशू नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, बिल्कुल सब कुछ सेट जा रहा है, हालात साजगार हैं। हाय हाय।